संख की भी कई वैरायटी होती हैं। वैसे दो प्रकार के संख ज्यादा चलते हैं, एक होता है वामवर्ती और एक होता है दक्षिणावर्ती। वामवर्ती वो है जो संख बजाया जाता है, और दक्षिणावर्ती वो है जो भगवान की पूजा के लिए जल भरा जाता है। दक्षिणावर्ती जिसका मुख दाहिनी तरफ खुले उसे कहते हैं दक्षिणावर्ती, और जिसका मुख बाईं ओर खुले उसे कहते हैं वामवर्ती। तो शंख बड़ा भगवान की पूजा में काम आता है और पवित्र होता है उसका जल, इसलिए पवित्र होता है कि भगवान शिव के द्वारा उसका वध हुआ, दूसरा फिर वो भगवान का भक्त था, इतने भक्ति की हजारों वर्षों तक। तो शंख के जल को तीर्थ में माना जाता है, और ये भी कहते हैं कि जिसका बालक कभी बोलना ना सीखे, बहुत दिन हो जाएं, काफ़ी दिन हो जाएं, ना बोल पा रहा हो या तोतला बोलता हो, तो उसको दक्षिणावर्ती शंख में पानी भर करके रात्रि को रखो और सुबह उस जल का पानी उस बच्चे को पिलाओ, तो चिड़ियों के जैसा यानी कि बहुत मैना के जैसे तो बोलने वाला हो जाएगा और बहुत ज्ञानी हो जाएगा। और ये प्रयोग झूठे नहीं है, ये सच हैं, कईयों ने करके देखे, मुझे बताया है कि महाराज जी आपने जो बताया हमने करके देखा तो हमारा बच्चा बोलने लग गया, नहीं तो 5 साल का हो गया बोलता नहीं था। एक तो ये है, दूसरा जिस पात्र में चिड़िया पानी पीती है उसका भी जल आप बच्चे को पिला सकते हैं, चिड़ियों को झूठा जल, तो वह भी चिड़ियों के जैसे चहकने लगेगा, ज़्यादा बोलने लगेगा। कई बच्चे होते हैं, कई होते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं, बोलता नहीं है, बोलता है तो इतना बोलता है कि बस घर वालों को परेशान कर देता है बोल बोल कर। हाँ।